आईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के लिए कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक दूर्वा का एक पाठ। पाठ का शीर्षक है झलकारी बाई। सन 1857 ईस्वी, अपने महल में रानी लक्ष्मीबाई चिंतित अवस्था में बैठी हैं। रानी के सामने नाना साहब और कुछ विश्वासपात्र सामंत भी चिंतित बैठे हैं। तभी रानी उठ खड़ी होती है। महारानी लक्ष्मीबाई की जय! महारानी लक्ष्मीबाई की जय! महारानी लक्ष्मीबाई की जय! झांसी के वीरों, अंग्रेजों की विशाल सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया है। हमारी सेना के अनेक योद्धा वीर गति प्राप्त कर चुके हैं। कुछ सरदार अंग्रेजों से जा मिले हैं। अब हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, एक ही रास्ता कि हम किले का फाटक खोल दें और अंग्रेज सेना को युद्ध के लिए ललकारें। रानी, हम तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। झांसी की रक्षा के लिए अपने प्राणों के बलिदान का अवसर आ गया है। रानी माँ, झांसी पर अपने प्राण न्योछावर करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। दामोदर राव की सुरक्षा का प्रबंध भी हम कर लेंगे, लेकिन जानबूझकर अंग्रेजों की सेना के सामने जाकर प्राण देने में कोई समझदारी नहीं है। उचित तो ये होगा कि किसी तरह किले से सुरक्षित निकलकर हम फिर से सेना को संगठित करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपकी योजना से सहमत हूँ, लेकिन अब इस अंग्रेज सेना का घेरा तोड़कर किले से बाहर निकल पाना आसान नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजों के भेदिये महल के भीतर भी हैं। ये गद्दार हमारी छोटी छोटी बातें अंग्रेजों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में चूहे की तरह बिल में घुसे रहने से तो अच्छा है हम शेर की तरह शत्रु पर टूट पड़े। महारानी, आप जैसी वीरांगना को हम मरने के लिए अंग्रेजों की सेना के सामने नहीं धकेल सकते। नहीं धकेल सकते, नहीं धकेल सकते। मैं सामंत की बात से सहमत हूं। आपका ये निर्णय वीरोचित तो है, पर रणनीति की दृष्टि से उचित नहीं है। महारानी, ठीक कहा। रानी, ठीक कहा, बिल्कुल। हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। महारानी, आपकी पराजय केवल रानी लक्ष्मीबाई की पराजय नहीं होगी, वो झांसी की पराजय होगी। और यदि झांसी इतनी आसानी से पराजित हो गई तो पूरे भारत में चल रहा स्वाधीनता संग्राम ही खतरे में पड़ जाएगा। महारानी, सबकी निगाहें आप पर टिकी है। महारानी, नाना साहब ठीक कह रहे हैं। जी रानी साहब, सबकी निगाहें आप पर टिकी है। जी रानी साहब, जी रानी मां, सुझाव बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। महारानी की जय। कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? रानी मां, समाचार शुभ नहीं है। अंग्रेजों की सेना का घेरा झांसी के चारों ओर बहुत कड़ा हो गया है। ओह, उन्होंने आपको जिंदा ही पकड़ने की ठान रखी है। ओह, उनकी ये हिम्मत। दूत, तुम जाओ और घटनाओं पर कड़ी निगाह रखो। जी महारानी जी। महारानी की जय, महारानी की जय। नाना साहब। जी महारानी। मैं किसी भी हालत में अंग्रेजों की बंदी नहीं होना चाहती। मैं झांसी की रक्षा करते करते शहीद हो जाना पसंद करूंगी। नाना साहब, आप आदेश दें, हम अंग्रेजों पर टूट पड़ना चाहते हैं। महारानी ठीक कहती है, बिल्कुल ठीक कहती है। हम अंग्रेजों पर टूट पड़ेंगे। हाँ, हम अंग्रेजों पर टूट पड़ेंगे। महारानी ठीक कहती है। महारानी की जय। आओ आओ झलकारी बाई,
तुम ठीक समय पर आई हो। कहो, तुम्हारी सेना की क्या तैयारी है? रानी माँ, नारी सेना अगली पंक्तियों में लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है। किंतु 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 क्या? निसंकोच होकर कहो। गुस्ताखी माफ हो रानी माँ, मुझे इस निर्णायक युद्ध के लिए आपके वस्त्र, आपकी पगड़ी और आपकी कलगी चाहिए। ठीक है झलकारी, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। आओ हमारे कक्ष में चलो। जी चलिए महारानी साहिबा। झलकारी को महारानी क्यों चाहिए? अरे महारानी उसे अपने कक्ष में क्यों ले गई? कुछ समझ में नहीं आ रही पगड़ी। कुछ समझ में नहीं आ रही महारानी की पगड़ी। अरे ये तो महारानी आ गई, वापस भी आ गई। देखा आपने, अब अधिक सोचने का समय नहीं है, मैदान में उतरने का समय है। ये आदेश दे रही थी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में सज्जित झलकारी बाई। ये तो झलकारी बाई है। अरे झलकारी बाई, अरे देखो तो बिल्कुल लक्ष्मीबाई। अरे झलकारी बाई, बिल्कुल लक्ष्मीबाई जैसी लग रही। हाँ, अरे झलकारी बाई, तुम तो हूबहू लक्ष्मीबाई लग रही हो। तभी रानी लक्ष्मीबाई ने प्रवेश किया। आप ठीक कह रहे हैं नाना साहब। महारानी की जय। मेरा रानी माँ का हम शक्ल होना शायद आज ही सार्थक हो सकता है। झलकारी बाई, तुम्हारी योजना क्या है ये तो बताओ। मेरी योजना ये है कि मैं अपनी सेना लेकर किले के मुख्य द्वार पर अंग्रेजों को उलझा कर रखूंगी। इससे उनका पूरा ध्यान मुझ पर बना रहेगा। वो रानी समझकर मुझे घेरने का प्रयत्न करेंगे। इतने में रानी माँ दामोदर सहित अपने वीर सैनिकों को लेकर महल से दूर निकल जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा महारानी। लेकिन झलकारी बाई, मैं तुम्हें जान बूझ कर मौत के मुँह में कैसे जाने दूँ? रानी माँ, आप ही ने हमें सिखाया है कि वीरांगनाएं मौत से नहीं डरती। हम प्राणों की बाजी लगाकर भी झांसी की रक्षा करेंगे। झलकारी बाई ठीक कहती है महारानी, अब आप देर मत कीजिए। झलकारी बाई जैसा कहती हैं वैसा ही कीजिए। महारानी की जय। महारानी की जय। लक्ष्मीबाई के वेश में झलकारी बाई अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ती है। अंग्रेजी सेना को काटती हुई झलकारी बाई आगे बढ़ती है। झांसी अमर रहे। नारी सेना भी शत्रुओं को काटती हुई युद्ध करती है। झलकारी बाई के शरीर पर अनेक घाव लग जाते हैं और वो निढाल होकर गिर जाती है। ये देखकर जनरल अपने सैनिकों को हुक्म देता है। सिपाहियों, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना है। यस सर। चारों से खेलो इसे। झांसी की रानी, तुम बहुत बहादुर हो। हम तुम्हारी बहादुरी को सलाम करते हो, लेकिन अब तुम हमारी बंदी हो। जनरल, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना तुम्हारे बूते की बात नहीं है। वो जीवित रहने तक स्वतंत्र ही रहेंगी।
रानी झांसी की जय। सिपाही सर, इधर कोई है जो इसे उपाय से आंटे हो? जी जनाब। जी ये तो यहाँ झलकारी भाई है। जनरल आपका शक ठीक है, ये तो लक्ष्मी बाई नहीं है, उनकी हम शक झलकारी बाई है। झलकारी बाई? जी झलकारी बाई है। व्हाट? झलकारी बाई? वाओ, इस औरत ने तो कमाल कर दिया। झलकारी बाई का मृत शरीर धरती पर पड़ा था और जनरल रोज अवाक खड़ा एक वीरांगना को मन ही मन सलाम करता रहा। झलकारी बाई, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कलाकार हर्ष बाला, सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, मंगत राम, कीमती आनंद, अशोक मलकानी, मोहम्मद मंसूर आलम खां तथा सुचित्रा गुप्ता। ध्वन्यांकन बटी लैंगलिंगडो। निर्माण निर्देशन एवं ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।